इरफान और उनके भाई रिजवान पर जाजमऊ में एक प्लाट पर कब्जा करने की मंशा से आग लगाने का आरोप लगाया गया। 3 दिन के अंदर खाली कर दो ने पूरा परिवार साफ किया। हमारी कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही थी, हमारे बच्चे मारी मारी फिर रहे हैं। अल्लाह का करम था कि हम लोग मौजूद रहे, अच्छे अच्छे महीना रोड पे पड़े रहे। उस दिन हम लोग चले गए शादी में, आए तो लड़का आया हमारा जो गिफ्ट पैक लेने, तो बच्चे ने देखा कि आग लगी है, पूरा एकदम चला जा रहा है। इतनी मेरी बेइज्जती है हमारे मतलब रिश्तेदारों के सामने इन लोगों ने करवाई है कि हम सर उठाने के लायक नहीं। छोटे वाले भाई को मारते थे कि बस हमको बस ये जगह मिल जाए, तुम लोग छोड़ के चले जाओ। जब तक मम्मी के नाम रजिस्ट्री नहीं होगी हम लोग असुरक्षित ही महसूस करेंगे, और हम जरूर योगी जी से हम अपने कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि देखिए सांप जो कुछ मरा हुआ है, मरा नहीं है, कुचला है। कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी पिछले 1.5 साल से जेल में बंद है। विधायक इरफान और उनके भाई रिजवान पर जाजमऊ में एक प्लाट पर कब्जा करने की मंशा से आग लगाने का आरोप लगाया गया है। इरफान सोलंकी के पर फैसला कोर्ट से आने वाला है, ऐसे में उनकी सदस्यता भी जा सकती है। आज हमारी टीम यहां जाजमऊ पर आई हुई है, ये आपको दिखा दें, ये देखिए रिजवान सोलंकी का मकान है जहां पर वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। ठीक बगल में एक 533 गज का प्लाट बताया जा रहा है जिस पर कब्जा करने का उन पर आरोप लगा हुआ है। इसी प्लाट पर उन्होंने कब्जा करने की मंशा से एक आगजनी करी है जिस पर फैसला जल्द कोर्ट से आने वाला है। हमारे साथ पीड़ित परिवार है, आइए उनसे जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। क्या हुआ था उस दिन ऐसा था कि ये लोग जुल्म तो हम पर बहुत सालों से कर रहे हैं, कभी बच्चों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, फाइल दबवा रहे हैं, हमारा स्टे ख़त्म करवा रहे हैं, कब्जा करने के लिए किसी सूरत से धमका रहे हैं, गुंडे आ रहे हैं, चार चार गाड़ी बदमाश भर भर के आ रहे हैं, बच्चों को धमका रहे हैं। 3 दिन के अंदर खाली कर दो ने पूरा परिवार साफ कर। उसके बाद फिर हमारे इसको तो और एक बच्चा और हमारा छोटा है वो ड्यूटी पर है, उसको जो है तो बहुत मारा, गर्दन भी दबा दिया, गर्दन दबाने बस की आँखें जब निकल रही एकदम मुँह से निकला, वो बदमाश उसके साथ में था, मैं वो कुरैशी, वो बदमाश भी गर्दन के दबाया था। अब हम और ये बच्ची हमें छुड़ा रही थी तो उसका हाथ पर कपड़ा वपड़ा सब फाड़ दिया, पूरा कोना कोन हो गया, और हमारी कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही थी, हमारी बच्ची मारी मारी फिर रही, हम बैठे हैं बस ऐसे देख रहे हैं, वो कारो कार हम कर रहे हैं, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भैया हम गरीब आदमी, हमें कोई सुनवाई नहीं कहीं हो रही थी, हर जगह मारी मारी हमारी बच्ची फिर रही है, वो लेके क्या कहते हैं फायर लेके कहीं नहीं, मतलब यहाँ तक के वहाँ तक गई है वो सीओ कैंट और थाना चकेरी, और यहाँ वहाँ कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। उसके बाद जो है आग लगा दी, हमारे भतीजे की शादी थी उस दिन, सब लोग हम लोग वलीमा था, रिसेप्शन था यहीं रॉयल पैलेस में, सब लोग वहाँ गए, थोड़ा कुछ गिफ्ट पैक यहाँ भूल गए थे, सारा पूरी तो गृहस्थी थी हमारी, हम रहते ही हैं आज जमाने से 87 से हम यहाँ रह रहे हैं, ये सब बच्ची हमारी यहाँ, इसकी शादी यहीं से हमने करी, इसके ये बच्चा जो खड़ा था और तीन चार बच्चे इसी में हुए, इसके 3 बच्चे इसी में हुए, अब वो कहते हैं कि वो यहाँ कभी रहती ही नहीं थी, बताइए इतना बड़ा क्या प्रूफ लेंगे, 87 से हम प्रूफ देने के लिए तैयार, क्योंकि हम केडीए से मतलब वो लड़ाई लड़ रहे थे, केडीए हमारा पैसा जमा है, हमारी फाइल को दबवा के सब जबरिया 3-3 रजिस्ट्री हो गई, स्टे हाई कोर्ट का भी था और सिविल का भी स्टे था, और दबा दबा के SSP को मिला के 3-3 गाड़ी PAC ले आके हम लोग को दबाव डाला जा रहा है, और जो बुलडोजर 3-3 बार चलाया गया हमारे प्लाट पे, मगर हम लोग हटे नहीं, अल्लाह का करम था कि हम लोग मौजूद रहे अच्छे अच्छे महीना रोड पे पड़े रहे, मगर हटे नहीं। उसके बाद जो इन्होंने क्या किया, जब हम सब कुछ गिरा दिया मेरा घर, तो एक झोपड़ा डाल के हम रह रहे थे, उस दिन हम लोग चले गए शादी में, आए तो लड़का आया हमारा जो गिफ्ट पैक लेने, तो बच्चे ने देखा कि धू आग लगी है, पूरा एकदम जला चला जा रहा है, और सब खड़े हैं यहाँ मौजूद हैं, ये लोग भी थे, इनके सारे भाई थे और भी लोग थे, सब खड़े थे यहाँ, उसने देखा, बताइए इतनी बड़ी आग लगी, तुम पड़ोस में हो, कितनी इन लोगों के यहाँ पूरी बोरिंग है, किसी ने एक पाइप नहीं निकाला कि आग बुझाई दे, हमारे गरीब बस्ती से सारा पानी पूरा इनके यहाँ से, जब किसी के यहाँ बोरिंग नहीं, सप्लाई का पानी है, इन्होंने सारी पूरी टंकी खाली कर दिया बुझाने के लिए, आखिर में दमकल आई है जब बुझाया है, बताइए हमारे साथ इतना जुल्म हुआ हमारे ऊपर, और ये कह रहे हैं सब झूठ है, कैसे हो सकता है बताइए, झूठ मूठ इल्ज़ाम लगाएंगे ऊपर। मौके पर कौन कौन आरोपी थे? मौके पे तो ये सब थे, इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी तो बहुत दिन से हमारा मतलब जुल्म कर ही रहे थे, सब गिरा ही चुके थे पहले, उसके बाद जब हम लोग नहीं हटे तो आग लगा दिया उन्होंने, तो आरोपी तो यही लोग हैं, और सारे इनके भाई, इनके सब जो और भी बदमाश सब खड़े थे, मगर उस वक्त तो हम बहुत बेहोश थे एकदम,
अपने होशी में नहीं थे, हम किसी तरफ देख, सब वो आग देख रहे थे, अपना घर देख रहे थे, हम किसी को पहचानते वहचानते तो थे नहीं और ना हम देख पा रहे थे। ऐसे टाइम पे बताइए कौन अपने होश में रहेगा, जिसके घर में आग लगेगी, जिसका घर इतना जलाया जाएगा, वो कौन अपने होश में रहेगा बताइए। ये बताइए कि कहा जा रहा है, दलील इरफान की तरफ से ये दी जा रही है कि ये आपका मकान नहीं है और आप लोग यहाँ पर रहते भी नहीं है। बता तो रहे, हम सन 86 से प्रूफ दे सकते हैं, दिया हमने कोर्ट में, हमारे लगी है सब कि हम कब से हैं ये, हमारे क्या कहते हैं पैसा भी हमारे एडीए में जमा, उसके बाद हमारा असिस्मेंट है, हम टैक्स भी जमा करते हैं और यहाँ का राशन कार्ड है, बच्चों की आईडी है, बच्चों का वो रिजल्ट है और बैंक का है पासबुक, बैंक का है, आधार है, सब पासपोर्ट है, 10-15 साल पुराना पासपोर्ट बच्चों का है हमारे। हम आप बताइए कि हम आप सारे प्रूफ हैं। क्या विधायक सोलंकी से कभी प्लाट को लेकर आपकी बातचीत कभी हुई, उन्होंने आपके ऊपर कहा हो कि ये हमको बेच दीजिए या इस टाइप की कोई बातचीत हुई आपकी? नहीं, बेचने से कोई बात नहीं, हमेशा धंधा करती रही, जबरिया मतलब दबंगई से चाहते थे कब्जा कर लें। क्या कहते थे विधायक आपसे? हमसे विधायक कहते थे, उनके सब गुर्गे आते थे कि खाली कर दो, तुम्हारा कुछ नहीं है, ये हमारा है, जाके वहाँ थाने में भी रजिस्ट्री दिखा रहे हैं, किसी दूसरे की रजिस्ट्री, शाकिर की रजिस्ट्री दिखा रहे हैं, कह रहे हैं हमारा है, इनकी कोई रजिस्ट्री नहीं थी, अवैध रजिस्ट्री अभी 3 महीने पहले कराई ना अवैध रजिस्ट्री मुकदमे के दौरान, और उसके पहले से हम तो 10-20 साल से हमारे पर जुल्म कर रहे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं था इनके नाम का कागज। अब इस मामले पर में कोर्ट में फैसला आने वाला है, कितनी उम्मीद है कोर्ट से आपको? भाई देखिए, हम तो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको ऊपर वाले ये भरोसा है और न्याय पे भी भरोसा है कि हमको न्याय मिलेगा और मिलना भी चाहिए, क्योंकि हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम बेईमानी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ना हम झूठ की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले भी हम यहाँ थे, आज भी यहाँ मौजूद हैं और सारा महल्ला हमारा गवाह है पूरा। इस बीच केस भी चलता रहा, आपका लड़ाई झगड़ा भी रहा, क्या दबाव भी डाला गया सोलंकी परिवार की तरफ से? डाला गया भाई, पता नहीं कितने लोग आए हैं अभी इनके हाजिर होने के बाद भी बहुत दबाव पड़ा है हमारे ऊपर, मंत्रियों का भी दबाव पड़ा और क्या कहते हैं कि विधायकों का दबाव पड़ा, रिश्तेदारों का भी, बहुत लोगों का दबाव पड़ा, दोस्त यारों का भी उनके बहुत दबाव पड़ा कि कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, जो भी कहिए, जो से हमने कहा नहीं, हमें कंप्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि वो चैलेंज कर रहा था कंप्रोमाइज़ कर लेंगे और इसका नाम लेके इसने कहा है शानू का, और ये अपने चाचा के जो कौन है अल्फाइंट वहाँ सबके सामने कहा कि मारेंगे और सर रगड़ाएंगे चौराहे पे, सर रगड़ा के मार के यहाँ वीडियो बना के गाड़ देंगे, तो हम खड़े हो गए, हमने कहा कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, जब बच्चे को तुम्हें मारना ही है तो तुम अब मारो, अब तुम मारो, इतने दिन से मार रहे हो, अब जो जितना मारना मारो, फिर कंप्रोमाइज़ किस बात का है भाई, बात ही ख़त्म कर दिया हमने। बहुत दबाव आया, हमने कहा अब नहीं करेंगे हम कंप्रोमाइज़, जब हाजिर हो गए, जब फंसे तब दबाव डाल लें, जब हम कह रहे हैं तो हमारे पास जुल्म कर रहे हैं, मारेंगे। ये तो रहा कोर्ट की बात, आपको यूपी गवर्नमेंट से कितनी उम्मीद है, क्योंकि योगी सरकार में बुलडोजर बाबा के नाम से सीएम योगी फेमस हैं, आपको उनसे कितनी उम्मीद है? क्या लगता है कि कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसके बाद क्या कोई बुलडोजर की भी कार्रवाई होगी क्या? भाई हमसे उनसे ये उम्मीद है कि उन्होंने कार्रवाई अच्छी की, हमारी सुना, हमारी किसी सरकार में कोई सुनवाई नहीं हुई, और जब जब बुलडोजर चला सपा सरकारी में चला हमारे ऊपर, जब जब जुल्म सपा सरकार में, और कहीं कोई सुनवाई नहीं होती थी, मगर इस सरकार में हमको रिलीफ मिला, हमारी सुनवाई हुई और हम मतलब हमको बहुत ज़्यादा उनके ऊपर भरोसा, उनका लाख लाख एहसान है, शुक्रिया है, धन्यवाद है उनका तहे दिल से, और अब हमको उम्मीद है भाई उनकी जात से कि आगे भी हमको अच्छा फैसला मिलेगा। यहाँ पे क्या क्या बना था अभी तो देख रहे हैं, तो यहाँ पे काफी पेड़ हैं और क्या क्या बना था? कर दिया, यहाँ बना था लेट्रीन बाथरूम किचन, एक हाल, 2 कमरा, बाउंड्री। ये टूट कैसे गया? ये सब रिजवान ने तोड़वाया है, इरफान ने तोड़ा है, तोड़वाया है, तो पहले बुलडोजर चलवाते थे, आपकी तो हाथ से तोड़वाया, अच्छा लेबर लगा, नहीं तो उस समय आप लोग थाने जाती शिकायत करती, कोई सुनवाई नहीं होती थी? नहीं, सपा सरकार थी, कोई जब जब बुलडोजर चला सपा सरकार थी, हमारी कोई सुनवाई नहीं। मोहल्ले से भी यहाँ पे कोई आपके लिए खड़ा नहीं होता था? मोहल्ले वाले हमारे खड़े हुए थे, हमारे लड़के को खींचे लिए जा रहे हैं जेल बंद करने के लिए फर्जी केस में, 16 साल का हमारा लड़का नाबालिग लड़का,
उसको खींचे लिए जा रहे हैं, हमारे आदमी को खींचे वो इतने सब कोई कह नहीं सकता है। या हमारा जो है तो ट्रांसपोर्ट था, कासिम के नाम से उनकी तूती बोलती थी, उनको घर से खींच ले गए थे, उनको 3 दिन रखा थाने में, और हमारी गाड़ी खींच ले गए रहे। वो इसकी शादी थी, इसकी शादी में उसको पैसा दिए थे कोई तोमर दरोगा थे, उनको जो है वो जब देखो मेरे घर में मेहमान भरे हैं, मांझा पड़ रहा है, ये पुलिस आके पूरे घर की तलाशी ले, साहब इतनी मेरी बेइज्जती हमारे मतलब रिश्तेदारों के सामने इन लोगों ने करवाई है कि हम सर उठाने के लायक नहीं, किसी तरह जमीन मिल जाए बस किसी तरह। अब आपको क्या उम्मीद है कोर्ट से? न्यायालय पे तो हमें भरोसा है, जैसे जिस हिसाब से हम लोग को वो रिलीफ मिला है कि भरोसा है कि हम लोग के पक्ष में न्याय आएगा। आप लोग जब यहाँ पे रहते तो क्या आप लोगों में भी डर का माहौल बना रहता था, जान जोखिम में रहती थी, किस तरीके से आप लोग यहाँ पर रहते थे? अरे हम लोग रहते थे यहाँ तो हर टाइम तो हाथ पे हथेली पे जान लिए रहते ही थे, छोटे छोटे बच्चे साथ में भाइयों को हटाए रहते थे, हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे कि हमारे भाइयों को कुछ ना हो, क्योंकि 2 भाइयों की जान इसी में जा चुकी थी। एक भाई को जहर दे दिया गया, एक भाई को फर्जी केस में बंद करवा के उनको उनका माइंड डिस्टर्ब हो गया, वो उसमें ख़त्म हो गए। तो हम लोग तो उस भाई को तो यहाँ सारे आम चौराहे पे मारते थे, ये लोग पकड़ के 40-40 आदमी कमरे में बंद कर के छोटे वाले भाई को मारते थे कि बस हमको बस ये जगह मिल जाए, तुम लोग छोड़ के चले जाओ, डराते थे, धमकाते थे, तुम लोग छोड़ के चले जाओ। हम लोग हर जगह एप्लीकेशन लेके जाते थे, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती थी, कहते थे कहीं रिजवान सोलंकी खुलेआम कहते थे हमने थाने पर इतना पैसा दिया हुआ है, चौकी में इतना पैसा दिया हुआ है, चाहे जहाँ भी दौड़ लो तुम्हारी कहीं सुनवाई नहीं होगी। अम्मी ने कहा हम जा रहे हैं योगी के पास एप्लीकेशन लेके। कहने लगे योगी क्या करने, योगी के पास क्यों जाओगी, केंद्र जाओ, केंद्र वहाँ तुम्हारी सुनवाई होगी। मतलब इतना उनके ऊपर दबंगई थी कि वो अपने आगे किसी की सुनते ही नहीं थे, इतना गरीबों को दबाते थे कि किसी तरीके डर से वहशत से हर तरीके से खुले आम 3-3 4-4 गाड़ियाँ खुले आम पिस्टल लगा के आते थे, बच्चे ऐसे हम लोग कचहरी दौड़ते थे, बच्चे ऐसे बैठे रहते थे देख प्लाट पे, पुलिस वाले अंदर नहीं जाने देते थे, पहले की बात, बाहर बैठे रहते थे, अंदर हम लोग प्लाट के नहीं आ सकते थे, तो सब खुले आम पिस्टल लगा के आते थे, कहते थे 4 बच्चों को धमकाते थे कि 4 दिन के अंदर प्लाट खाली हो जाए नहीं पूरे घर खानदान का सफाया कर देंगे, ऐसे ऐसे धमकाते थे। लेकिन फिर भी हम लोग कहे कि 2 की जान चली गई, अब जितने बचे हैं उनको भी जान से मार देंगे तभी अब हम लोग प्लाट से हटेंगे, नहीं तो अब हम लोग यहीं पे रहेंगे। तो अब कोर्ट का फैसला आने के बाद अब आपको लोगों को क्या समझते हैं, सुरक्षित महसूस कर रही होगी सरकार में अब आप? नहीं, सुरक्षित नहीं है अभी, हमको अभी तो फिलहाल सुरक्षा मतलब है लेकिन डर तो बना ही हुआ है कि भाई सुरक्षा दी है बहुत, मतलब वो किया कि रात में भी सुरक्षा कर्मी आते हैं और दिन में भी एक गनर रहते हैं, मगर अब तो और हमको खतरा हो गया, अब सुरक्षा और बढ़ाई जाए हमारे लिए क्योंकि बगल में है। बगल में आपको क्या उम्मीद है कोर्ट का फैसला आ रहा है? कोर्ट का फैसला आ रहा है, देखिए रजिस्ट्री फर्जियां तो होती चली आ रही मुकदमे के दौरान, ये तो गलत ही है, जब तक मम्मी के नाम रजिस्ट्री नहीं होगी हम लोग असुरक्षित ही महसूस करेंगे, और हम ज़रूर योगी जी से हम अपने कहेंगे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि देखिए सांप जो कुछ मरा हुआ है, मरा नहीं है कुचला है, और घायल सांप तो जानते कितना ख़तरनाक होता है, जान तो हथेली पे लेके ही हम लोग ने बिल में हाथ डाला है, सही बात है। मेरे 2 भाई ख़त्म हो चुके, मेरे डैडी भी ख़त्म हो चुके, अब 2 भाई बचे हैं, इनकी सुरक्षा जब ही हो सकती है अगर अभी आज खुद अगर योगी जी खुद चाहेंगे तो ही हल है, नहीं तो ये दोनों भी जाएंगे, तय है कि जाएंगे। ये प्लाट की रजिस्ट्री हमारे नाम की जाए और कुछ बनवाए और योगी जी के भरोसे हम लोग खतरा है। हम तो यही कहेंगे कि सबसे बेहतर है अगर हमारे मुख्यमंत्री जी चाहें कि जैसे मतलब सरकार जो होती है कुछ चीज़ें अपने तरफ लेती है तो उनको ज़्यादा पैसा दे के ही तो लेती है, बहुत सारी सड़कें बनती हैं, तो यहाँ से वहाँ तक के जितना चाहें पैसा दे करके यहाँ से वहाँ तक हॉस्पिटल खोल दें। मेरे माँ बाप ने सारी ज़िंदगी इसमें तपस्या की, मेरे भाई बहुत लोग ज़्यादा तो पढ़ नहीं पाए, कोई ऑफिसर तो बने नहीं, हम लोग को नौकरी दे दें, मेरे माँ बाप के नाम हॉस्पिटल कर दें और सरकारी हॉस्पिटल रहे, सारे लोग का इलाज हो, क्योंकि इसी प्लाट की वजह से मेरे डैडी को ब्रेन हेमरेज हुआ, इन लोगों ने फाइल गायब करा दी। मैंने 2018 में फ़ोन किया, डैडी आप इलाहाबाद आए मेरे पास आइए, अब आ जाइए, कहें बेटा फाइल गायब करवा दिया इन लोगों ने, मम्मी को हमने तुम्हें बताया नहीं, नहीं तो उनको हार्ट का दौरा पड़ जाएगा इसलिए नहीं बताया, और हम आएंगे वो निकलवा दें। मेरे डैडी
इस अक्टूबर में यहाँ पे आए और ख़त्म 18 अक्टूबर को जो है उनको बस नहाने गए थे, कुछ नहीं था, बस एक उन्होंने अपनी बात ही हमसे बताई थी कि फाइल गायब इन लोगों ने करवा दी है। और मेरे डैडी को मतलब ब्रेन हेमरेज हो गया, गिर गए, हॉस्पिटल हम लोग लेके गए, उस वहाँ क्या नाम है हैलेट लेके गए, वहाँ तीन घंटा कोई डॉक्टर नहीं आया, किसी ने टच नहीं किया। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे आज हम लोग तड़पे हैं, हॉस्पिटल खुल जाएगा तो शायद उम्मीद थी कि किसी दूसरे का बाप इतनी जल्दी नहीं जा सकता, उम्मीद है कि शायद 3 घंटे में इलाज होता तो शायद आज वो जिंदा होती। तो देखिए ये पीड़ित परिवार है जो बता रहा था कि किस तरह से उन सालों से उन पर जुल्म होते रहे हैं और सपा सरकार में कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। अब इरफान सोलंकी पर फैसला कोर्ट का जल्द आने वाला है, परिवार को काफी उम्मीदें हैं कि उनके पक्ष में फैसला आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ रमन मिश्रा, जीएमडी न्यूज।